हाय एवरीवन आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखिए ये न्यू डिजाइन का कॉप और प्लेट का बनाएंगे और देखिए ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इसे बनाना भी बहुत ही आसान है बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तो सबसे पहले पहुंचे और चलिए आज हम ये कॉपर प्लेट का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं देखिए ये दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है सो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 1.75 पॉइंट mm का क्रोसिया लिया है फर्स्ट हम व्हाइट कलर से बनाएंगे सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उल को इस तरह से निकालेंगे और थ्री चेन बनाएंगे वन टू थ्री अब हम डबल क्रोसिया बनाएंगे वन थ्री फोर इसी तरह से हमें सेवेंटीन और डबल क्रोशिया बनाना है और फास्ट का थ्री चेन हमारा एक डबल क्रोशिया से काउंट होगा टोटल एटीन डबल क्रोशिया होगा ये देखिए ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है अब हम धागे को इस तरह से खींच लेंगे और फास्ट थ्री चेन के ऊपर से इस तरह से अटैच कर देंगे ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री और उसके आगे डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम चेन बनाएंगे वन टू थ्री और उसके आगे डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाना है उसके आगे हमें अब हम थ्री चेन लेंगे और टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू और थ्री चेन लेंगे और टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू ये देखिए इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है ये देखिए पूरा हमने कंप्लीट कर लिए हैं चलिए हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हमने नाइन जोड़ा बना लिए हैं अब हम फिर से थ्री चेन लेंगे और फर्स्ट थ्री चेन के ऊपर से हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से अब हम दो डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और सेवन चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन और फिर से दो डबल क्रोशिया के बीच में से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से चलिए सेम इसी पैटर्न से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम लास्ट अटैच करेंगे अब हम आगे वाले चेन के रिंग में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री और टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू फर्स्ट का थ्री चेन और ये टू डबल क्रोशिया मिलके हमारा थ्री डबल क्रोशिया बन गया है अब हम चेन लेंगे वन टू और फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री अब हम नेक्स्ट सेवन चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री और टू चेन लेंगे वन टू और फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री अब हम नेक्स्ट रिंग में से डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री टू चेन लेंगे और फिर से थ्री डबल क्रोसिया बनाएंगे वन टू थ्री देखिए इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे चलिए हम कंप्लीट करके दिखाते हैं ये देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं अब हम थ्री चेन के ऊपर से इस तरह से अटैच करेंगे अब हम एक चेन लेंगे और देखिए ये टू चेन के गैप में से हम टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन और देखिए थ्री डबल क्रोशिया के गैप में से इस यहाँ से हमें एक स्लिप स्टिच लेना है इस तरह से फिर से हमें टू चेन के गैप में से टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन, एट नाइन टेन और यहाँ गैप में से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे देखिए यहाँ से इस तरह से सेम इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं चलिए हम कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है अब हम लास्ट जॉइंट करेंगे इस तरह से और एक चेन लेके उल को कट कर देंगे ये देखिए ये हमारा फ्लेट का डिजाइन बन चुका है इसके ऊपर अब हम कोप का डिजाइन बनाएंगे एक स्लिप नोट बनाएंगे और देखिए जहाँ से हमने थ्री चेन लिए थे वहीं से हम ऊल को अटैच करेंगे इस तरह से और थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री और टू डबल क्रोशिया बनाएंगे टू फास्ट का थ्री चेन और टू डबल क्रोशिया मिलके हमारा थ्री डबल क्रोशिया बन गया है और एक चेन लेके नेक्स्ट में हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे यहां से देखिए वन थ्री और एक चेन लेंगे फिर हम नेक्स्ट थ्री चेन के ऊपर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री और एक चेन लेके उसके आगे फिर से थ्री और डबल क्रोसिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे ये हमारा कोप की सेप में आ जाएगा देखिए यहाँ से थ्री थ्री चेन के ऊपर से हमें थ्री डबल क्रोशिया बनाना है और एक एक चेन का गैप रखना है ये देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है ये हमारा कोप का सेप आ रहा है वन चेन लेके फिर थ्री चेन के ऊपर से उसको अटैच करेंगे देखिए इस तरह से थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री और डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे टू डबल क्रोशिया और थ्री चेन बना लिए हैं थ्री डबल क्रोशिया हो चुका है वन चेन लेके नेक्स्ट थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री वन चेन लेंगे फिर से थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर से हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री वन चेन लेंगे सेम इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे चलिए हम कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं ये देखिए है हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं अब हम ज्वाइंट करेंगे थ्री चेन के ऊपर में से वन चेन लेके थ्री चेन के ऊपर से इस तरह से अटैच करेंगे और फिर से थ्री चैन लेंगे वन टू थ्री और डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू फर्स्ट का थ्री चेन मिलके भी एक हमारा डबल क्रोशिया बन गया है अब हम टू चेन लेंगे और थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री अब टू चेन लेंगे वन टू और फिर से थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर से हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन थ्री और टू चेन लेंगे वन टू चलिए इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमने बना लिए हैं अब हम टू चेन लेके ज्वाइंट करेंगे वन टू और थ्री चेन के ऊपर से इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे और थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री और टू डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब हम टू चेन के गैप में से भी टू डबल क्रोसिया बनाएंगे यहाँ से वन टू और फिर से थ्री डबल क्रोसिया के ऊपर से थ्री डबल क्रोसिया बनाएंगे वन टू थ्री अब हम टू चेन के गैप में से भी टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू और थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री और टू चेन के गैप में से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन चलिए इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए है हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं अब हम लास्ट ज्वाइंट करेंगे थ्री चेन के ऊपर में से इस तरह से और एक चेन लेके ऊल को कट कर देंगे अब हम इसके साइड में से और एक कलर से डिजाइन बनाएंगे देखिए जैसे हम यहाँ बनाए हैं सेम इसी तरह से बनाना है हमें सबसे पहले एक स्लीप नोट बनाएंगे इस तरह से और ऊल को अटैच करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर से एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे देखिए इस तरह से हमें बनाना है चलिए इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए प्लेट का डिजाइन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अब हम कॉप के ऊपर से उसी कलर से बनाएंगे सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और कॉप के ऊपर से इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और हर एक डबल क्रोशे के ऊपर से इस तरह से हमें स्लिप स्टिच बनाना है चलिए हम एंड तक तो बना लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ये देखिए हमने पूरा एंड तक बना लिए हैं अब हम फिफ्टीन चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन और देखिए यहाँ से हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है इस तरह से और टर्न करके हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिफ्टीन हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे वन टू थ्री फोर Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. 6 7 8 9 फोर्टीन और ये फिफ्टीन और देखिए ये हमने फिफ्टीन हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है अब हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेके कर उल को कट कर देंगे और उनको इस तरह से नोट लगा लेंगे नोट लगा के फिर नीचे इस तरह से लेके उल को हम कट कर देंगे ये देखिए ये हमारा कॉपलेट प्लेट बन गया है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कॉपर प्लेट अगर आप लोगों को ये कॉपलेट प्लेट डिजाइन अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू फॉर वाचिंग